Recording in progress. ऑडियो और वीडियो में किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। लास्ट लेक्चर हमने क्या क्वेश्चन लिया था? लास्ट क्वेश्चन क्या था? डेज वाला और हुआ था और मंथ वाला हुआ था, राइट? ये दो ही हुआ था ना? डेज और मंथ यही हुआ था ना? मंथ वाला मतलब सिंगल मंथ वाला हुआ था ना? ओके, डबल डेट वाला ले लेते हैं अभी। चलो डबल डेट वाले क्वेश्चन लेते हैं, आप लोग भी साथ में लिखो। 8% दैट इज ए बी सी डी ई एफ जी एच वर बॉर्न ऑन टू डिफरेंट डेट्स दैट इज 6, 13, 4 different months. That is Jan, April, May, and September of the same year. B was born in the month having 31 days on an even number dates. Only हाँ बोलिए। आप नहीं दिख रहे हो। नहीं दिख रहा हूँ मैं। आपका नाम? अनम। मेन स्क्रीन पे आ जाओ, लेफ्ट टू राइट स्वाइप करो, फोकस क्लासेस देखिएगा, डबल टैप करो। मेन स्क्रीन पे आ जाओ, इसको लेफ्ट टू राइट स्वाइप करके देखो, वहाँ पे फोकस क्लासेस दिखेगा, डबल टैप करो। फोकस क्लासेस दिखेगा तो मैं हूँ, फोकस क्लासेस ही पढ़ाता हूँ। सब बैकग्राउंड से नॉइज आ रहा है। हाँ वो अगले रूम में क्लास चालू है। हाँ बोलिए। आप मेन स्क्रीन पे आ गए। ब्लैक दिखेगा आपको, पूरा ब्लैक स्क्रीन दिखेगा मेन स्क्रीन पे। वहाँ पे फिर स्वाइप करो, जैसे फोटो स्वाइप कैसे करते हैं वैसे लेफ्ट टू राइट स्वाइप करो। क्या आ रहा है मुझे बताओ जरा। अरे कुछ तो आता होगा, ऐसा थोड़ी ना कुछ नहीं होता होगा। हाँ क्या शो कर रहा है अभी आपके फोन पे? कुछ नहीं दिखा रहे। अच्छा ये देखो मेन स्क्रीन पे पार्टिसिपेंट माइक ऑडियो वीडियो ऐसा दिख रहा है कुछ? हाँ हाँ दिख रहा है। ठीक है, उसको लेफ्ट टू राइट स्वाइप करो, स्क्रीन को स्वाइप करो, स्वाइप करो, स्वाइप करो स्क्रीन को, देखो फोकस क्लासेस दिखेगा, स्वाइप करो। हाँ ठीक है, फोकस क्लासेस है सर। हाँ डबल टैप कर दो। दिखा दी अनम फोकस क्लासेस, चैट आ रहा है उसमें। चैट आ रहा है? चैट कैसे?
कॉल करके लॉगिन कर लो। फोन कौन सा आपका? रेडमी 7। रेडमी 7 ना, तो वापस वापस इन आउट होके इन हो जाओ, फिर लेफ्ट करके इन हो जाओ, एक बार वापस ट्राई करो। बाकी लोग जरा सॉल्व करना इसे। वेरी गुड अंकिता, वेरी गुड। बाकी लोग हो जाएंगे सॉल्व।
स्टूडेंट बन रहा नहीं बन रहा है सौरभ नहीं नहीं दूसरों उधर रहेगा आपको मिल जाए। मेरे को आवाज आ रही है स्टूडेंट मेरी आवाज आ रही है ठीक है सॉल्व करूं क्या बताइए सॉल्व करूं या थोड़ा टाइम देखो ये मंथ वाले पजल थे मैंने कहा था कि मंथ वाले जो भी पजल होते हैं पहले मंथ यहाँ पे लिख लेना होता क्वेश्चन लिखा आपने क्वेश्चन को लिखा है क्वेश्चन मनीष लिखा आपने यस जैन अप्रैल मई सितंबर जैन अप्रैल मई देखो हर एक महीने में 6-13 आएगा पहली पॉसिबिलिटी ये होगी दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे 6-13 इस तरीके से बॉक्स की तरह बनाना है पहले बता रहा हूँ बॉक्स की तरह बना रहे इस तरीके से थोड़ा इजी गिरेगा फिर हमें हमें यहाँ पे सॉल्व करें अभी इजी गिरेगा क्योंकि बॉक्स की तरह बन गया सॉल्व करने में इजी गिरेगा चलो पढ़ो जैन का बताओ कितना है सितंबर चलो पढ़ो A person A B C D E F G H were born on two different dates 6-13 two different months Jan, April, May and September of the same year. He was born in the month having 31 days on an even number date. In the B. B. Bombay. B for Bombay. Okay. Dekho, B born on an even number date but in the month which has 31 days, ठीक है? तो यहाँ पर आ सकता है 31 days में even number date में B, Bombay, चलो, अभी 31 days में भी यहाँ पर भी तो आ सकता है ना? आ सकता है? चलिए आगे बढ़िए। Only two person were born between B and D. B और D के बीच में दो का gap होना चाहिए, तो एक दो छोड़ के D यहाँ पर आ जाएगा। इस possibility में डी यहाँ पर भी आ सकता है दो का गैप छोड़ के और डी यहाँ पर भी आ सकता है क्यों क्योंकि ऐसा कुछ बोला नहीं है कि डी ऊपर आएगा या डी नीचे आएगा तो हमने क्या किया फिक्स पोजीशन नहीं है इसको राउंड सर्कल में कर लिया जिससे ये समझेगा कि डी का पोजीशन या तो यहाँ पर होगा अगर यहाँ पर नहीं होगा तो यहाँ पर होगा क्लियर आगे बढ़ो पढ़ो
H was born immediately before E, but both were born in two different months. देखो H was born immediately before E और दोनों different months में born होंगे. इसका मतलब समझे कैसे होगा different months. देखो H यहाँ पर आ सकता है, E यहाँ पर आ सकता है, दोनों आजू बाजू में है, बट देखो एक मई में बॉर्न हुआ एक सेप्टेम्बर में बॉर्न हुआ, इस तरीके से डिफरेंट मंथ लेना है. ठीक है चलो आगे बढ़ो. He was born before H and after F. हाँ बोलो मैम क्या बोल रहे थे सर. वो डी वाला नहीं समझ में आया सेकंड लाइन का. बोला है बी और डी के बीच में धोखा गया है. ठीक है तो देखो बी और डी के बीच में धोखा गया था तो एक दो छोड़ के डी यहाँ पर ले लिया. जो बी और डी में दो का गैप है वो मंथ में लेंगे डेट के साथ लेंगे. डेट के साथ लेना है दो का गैप. मतलब एक तो मैंने बॉक्स बनाया है इसलिए मैं इसलिए तो मैं बॉक्स बना रहा हूँ कि दो का गैप होगा तो एक दो छोटी डी यहाँ पर डायरेक्टली ले सकते हो. यस सर मैंने मंथ में लिया ना इस वजह से गलत हो गया. मंथ में नहीं आएगा रॉन्ग. चलिए पढ़िए मंथ की शादी. He was born before H and after F. B was born. जी सर जी. G was born before H after and F. After F. हाँ सर. Okay. F मतलब foreigner. Yes sir. ठीक है. F के नीचे G आएगा, G के नीचे H आएगा, right? Yes. But after बोला है immediate भी हो सकता है. और गैप छोड़ के भी हो सकता है बट हमें ये क्लू की तरह यूज करना है. आगे देखेंगे आगे पढ़ो. F is not oldest person among them. F यहाँ पर नहीं आएगा. oldest person मतलब सबसे टॉप पे F नहीं आएगा. ठीक है आगे बढ़ो. बस सर इतना ही खत्म. चलो यहाँ पे देखो क्लू को जरा गौर करना. ये H ये H से मैच हो रहा है कि नहीं. तो मैच छोड़ो भाई. He was born immediately before G. Okay. ये लाइन मनीष ने छोड़ दिया कोई बात नहीं. He was born immediately before G. ये लाइन छोड़ गया मनीष है. हाँ सर हाँ सॉरी सर. ठीक है कोई बात नहीं. देखो यहाँ पे ये क्लू को जरा देखो आप ध्यान से G मैच हो रहा है कि नहीं और H से H मैच हो रहा है राइट. अगर गौर करना H के ऊपर G आ रहा है, G के ऊपर C आ रहा है, C के ऊपर F आ रहा है. तो सबसे ऊपर कौन आएगा? F ही आएगा ना. बट F बोला है ओल्डेस्ट में नहीं आएगा. एक काम करते हैं F को यहाँ पर एक बार ले लेते हैं. F के नीचे कौन जाना चाहिए? C G आना चाहिए. बट G के ऊपर C आना चाहिए इमीडिएट में राइट. तो दो जगह ढूंढो जहाँ पे साथ में बिठा सके हम लोग. ये दो जगह बचेगा C और G बराबर ना. यस ठीक है. G के नीचे कौन आना चाहिए? H आना चाहिए. H के नीचे कौन आना चाहिए? E आना चाहिए. बट एक बात बताओ H और E डिफरेंट मंथ में होना चाहिए ना. बट ये तो सेम मंथ में हो रहा है ना. तो क्या ये सही होगा पॉसिबिलिटी हमारा F यहाँ पर लेना? रॉन्ग होगा. ठीक है अगर मैं F को यहाँ पर लेता हूँ F के नीचे कौन आना चाहिए? C और G इमीडिएट आना चाहिए. C और G लिया, G के नीचे H, अगेन वही हो रहा है सेम मंथ में. तो ये वाली पॉसिबिलिटी वैसे भी चली गई. ये नहीं होगा अब यहाँ पे. अगर मैं F को यहाँ पर रखता हूँ तो F के नीचे कौन आना चाहिए? G आना चाहिए. बट G के ऊपर जस्ट कौन आना चाहिए? C आना चाहिए. तो दो जगह साथ में ये बैठा है कि नहीं? C और G बैठा है नहीं बैठा? स्टूडेंट बताइए. Yes. बैठा है सर. ठीक है तो G के नीचे कौन आना चाहिए? H. और H के नीचे कौन आना चाहिए? E. तो H यहाँ पे लिया, E यहाँ पे लिया. डिफरेंट डिफरेंट मंथ हुआ कि नहीं? हुआ नहीं हुआ स्टूडेंट बताइए. हुआ ठीक है. D को यहाँ पे हमने हटा दिया तो D का ये पोजीशन फिक्स होगा कि नहीं? यस ठीक है. बच्चे बच्चे नाम क्या बच्चा? वन या पसंद? समझा आपको कैसे रहना है? लोग को ऑब्जर्वेशन करना है. पसंद दो मिनट बनता है. समझा किसी कोई डाउट है? स्टूडेंट बताइए कोई डाउट है? नो सर. ठीक है नो डाउट कर लीजिए. सर हाँ मैम बोलिए ना. क्लाइंट ये वाला समझा दीजिए ना. ये लिखा हुआ है ना G was born before H and after F. उसमें एक देखो G was born before H after F मतलब G H से पहले जन्म हुआ है और F के बाद जन्म हुआ है.
इसका मतलब समझ। अगर बिफोर और आफ्टर बोल दिया ना तो वो जस्ट इमीडिएट भी हो सकता है, जस्ट बिफोर भी हो सकता है, चाहे एक का गैप या दो का गैप छोड़ के भी हो सकता है बिफोर आफ्टर में, बट इमीडिएट बोला तो गैप नहीं आएगा, जस्ट वो बाजू में रहेगा। क्लियर? बिफोर आफ्टर में इमीडिएट भी हो सकता है, गैप छोड़ के भी हो सकता है, बट इमीडिएट में गैप नहीं आएगा, वो जस्ट बाजू में होगा। क्लियर? चल टोटल कर लो। दस स्टूडेंट हो गया, रख करूं रख कर दूं। यस सर। चलो इसके ऊपर और एक क्वेश्चन देता हूं मैं, सॉल्व करो आप। G H I J K L were born thirteen, sixteen, nineteen of two different months, that is June, August. L was born just before J or on an odd number date. Three persons
were born between J and K. He was born before H, but after I. No one born before, no one born between G and L. इसको सॉल्व करो. इस लास्ट लाइक लास्ट क्वेश्चन में दो डेट था, अभी सिर्फ तीन डेट आया है. दो सॉल्व करो. वेरी गुड. बाकी लोग का हो जाए तो
डन सर वेरी गुड वेरी गुड हो जाने दो बाकी का डन सर स्टूडेंट दो मिनट और दे रहा हूं मैं फिर सॉल्व करूंगा मैं चलो सॉल्व करो स्टूडेंट्स में सॉल्व करो यस सर देखो छह बंदे हैं टू डिफरेंट मंथ है कौन सा जून और अगस्त कौन कौन सा 13 16 और 19 13 16 और 19 जुड़का कितना बताओ 30 अगर 31 L was born just before J on an odd number date. L जो है odd number date में born हुआ है L just before J. ठीक है odd number date क्या क्या है देखो यहाँ पे L J यहाँ पर आ सकता है कि नहीं जस्ट यहाँ पे L देखो born हो रहा है odd number date में L was born just before odd number date. ठीक है यहाँ पर भी हो सकता है L और J यहाँ पर भी हो सकता है क्योंकि L यहाँ 19 हमारा odd number है L और J यहाँ पर भी हो सकता है
बहुत सारी पॉसिबिलिटी आ रही है, चलो छोड़ दो आगे बढ़ते हैं। थ्री पर्सन वर बॉर्न बिटवीन जे और के के बीच में तीन बंदों का गैप है। जी वॉज बॉर्न बिफोर एच बट आफ्टर आई, जी क्या है बिफोर एच है बट आफ्टर आई है, ये भी क्लू की तरह है। नो वन बॉर्न बिटवीन जी और एल, जी और एल के बीच में कोई भी बॉर्न नहीं होगा। अच्छा और क्या बोला है, एल वॉज बॉर्न ऑड नंबर डेट जस्ट बिफोर जे, और जी और एल के बीच में कोई गैप नहीं होगा। तो देखो एल और एल से मैच हो रहा है कि नहीं है, मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है स्टूडेंट बताओ। Yes. जी और जी से ये मैच हो रहा है कि नहीं, और ये देखो जे और जे से मैच हो रहा है कि जी और जी से ये मैच हो रहा है कि नहीं, ठीक है। देखो अगर मैं 19 को ऑड नंबर डेट में एल को रखता हूँ और जस्ट के नीचे जे रखूंगा और उसके ऊपर जी रख देता हूँ, ऐसा रख सकता हूँ कि नहीं मैं? क्योंकि एल के एल वॉज बॉर्न जस्ट बिफोर जे और यहाँ पे क्लियर मेंशन किया है नो वन बॉर्न बिटवीन जी और एल, तो मैंने ले लिया नो वन बॉर्न बिटवीन जी और एल, यहाँ पे हो गया ठीक है। जे और के बीच तीन का गैप है, तो देखो एक दो तीन ऊपर जगह है क्या, एक दो तीन नीचे जगह है क्या, तो मतलब एल और जे यहाँ पे पुट नहीं कर सकता मैं। अगर मैं एल को यहाँ पे लिया, एल को लिया, हाँ बोलो जी वॉज बॉर्न बिफोर एच बट आफ्टर आई, आपने टी लिखा है क्या शायद? ठीक है ले लेते हैं। देखो एल वॉज एल का यहाँ पे ऑड नंबर डेट आ गया, एल के नीचे कौन आएगा जे, यहाँ पे ले लिया, जी और एल के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, ले लिया, और जे और के बीच में तीन का गैप होना चाहिए। देखो एक दो तीन के यहाँ पर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जी के नीचे एच आना चाहिए, तो जी के नीचे एच यहाँ पे ले सकता हूँ कि नहीं, जी के ऊपर आया ना चाहिए तो मैं आई ले सकता हूँ कि नहीं, बन गया पोजो नहीं बना, समझा कैसे बना स्टूडेंट समझा? हाँ सर। एंड ऑफ द डे क्लू को ऑब्जर्व करना है, क्लू एक बार समझ में आ गया कि कौन ऊपर कौन नीचे आएगा और जब दो मिनट का काम नहीं। जैसे देखो मैंने क्या ऑब्जर्व किया, एल और एल का ये क्लू बिठाया कि मतलब एल के नीचे जे आएगा और एल के ऊपर जी आएगा, मतलब जी एल जे ये तीनों साथ में बैठेंगे, ये क्लू बिठा लिया। फिर मैंने क्या देखा कि जब जे मिल गया तो ये जे से ये जे का क्लू मिल जाएगा, फिर के मिल जाएगा, फिर जी मिल गया तो ये जी से ये एच और आई को बिठा सकता हूँ, तो ये क्लू से मुझे बिठाना था, बन गया है हमारा पजल। क्लियर? इससे डाउट है, पूछना है कुछ? हेलो सर। हाँ श्वेता बोलो। सर एक डाउट है इसमें, इसमें एल ऑड नंबर में है ना, तो सर जून का 19 और अगस्त का 13 वहाँ पे एल जे को पुट कर सकते हैं? जून का 19 हाँ, एल को यहाँ पे लो ठीक है, अगस्त का 13 चलो आप बोलते हो तो मैं एल को यहाँ पे ले लेता हूँ, एल के नीचे जे, एल के ऊपर जी, जे और के के बीच में तीन जगह है, तो एक दो तीन के लिए जगह है ऊपर, नीचे जगह है नहीं, तो एल 19 में नहीं आए, आप बोलते हो एल को 13 मिल गए, चलो ले लेते हैं, एल के नीचे जे ऊपर जी, अब तीन का गैप लेना है, एक दो तीन के यहाँ पर आ जाएगा, बट वही बनेगा ना, देखो 13 में लिया है एल में, तो बन गया ये। चलो डन, रफ करूं, रफ कर दूं? यस सर। ये था मंथ वाला पजल, दो डेट वाले क्वेश्चन, अभी मैं आपको डेजिग्नेशन वाले देता हूं क्वेश्चन, वो सॉल्व करेंगे हम लोग। अभी अभी हमारे दो क्वेश्चन हुए, कितने हुए? दो हुए, दो क्वेश्चन हुए, दोनों समझ में आया? किसी को कुछ डाउट है?
समझ में आया सर. चलो अब डेजिग्नेशन वाले क्वेश्चन ले लेते हैं. देयर आर सिक्स एम्प्लॉय दैट इज पी क्यू आर एस टी एंड यू ऑफ अ कंपनी एंड ऑल ऑफ देम आर working on six different designation of a company that is CMD, MD, CEO, COO, ST, JE, all the designation given are to be considered in a given order as CMD is considered the senior most and JE is considered as junior most. मतलब आपको समझे कैसे रहना है. ये जैसे फ्लोर बनाते हो ना 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 उसी तरीके से CMD, MD, CEO ऊपर से बनाना है आपको. जैसे CMD, MD, CEO, COO, SCJE इस तरीके से बनाना है क्योंकि एग्जामिनर ने डायरेक्टली बोला है कि CMD इज कंसिडर्ड एज सीनियर मोस्ट और JE इज कंसिडर्ड एज जूनियर मोस्ट. तो ये ऑर्डर में बनाना है. चलो क्वेश्चन ले लो. यहाँ पे बनाओ मोर देन टू पर्सन आर सीनियर टू यू टू डेजिग्नेशन gap between S and U P is just senior to R but not COO and SE more than 3 persons senior to Q who is senior to T. Solve karo.
वेरी गुड वेरी गुड. बाकी लोग हो जान दो. वेरी गुड वेरी गुड. सॉल्व करें, सॉल्व करूं या फिर ओके सॉल्व करूं. Done, sir. चलो सॉल्व करूं मैं. सॉल्व करूं? यस सर. मुझे पोजीशन बता दो क्या क्या है. सीएमडी एमडी क्या है. CEO है सर. पहले CEO COO SEJ यही है ना. बट आपको भी इसी ऑर्डर में लिखना है क्योंकि एग्जामिनर ने क्लियरली बोला है कि CMD इज सीनियर मोस्ट पोजीशन और SS के नीचे पोजीशन घटते हुए JEE तक जाना है जूनियर मोस्ट. सर देखो क्या बोला है क्वेश्चन में. मोर देन टू पर्सन आर सीनियर टू यू. दो से ज्यादा बंदे सीनियर होंगे यू से. मोर देन टू का मतलब क्या होता है. अगर मैं यू को लेता हूँ यहाँ पर तो मोर देन टू हो रहा है क्या. टू ही हो रहा है ना. मोर देन टू चाहिए मतलब दो से ज्यादा. अगर मैं यू को यहाँ पे लूंगा तो एक दो तीन हो रहा है. दो से ज्यादा बंदे चाहिए मोर देन टू. तो तीन भी हो सकता है चार भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है. स्टार्टिंग अगर Thank you.
मोर देन टू पर्सन आर सीनियर टू यू बोला है, दो से ज्यादा बंदे सीनियर होना चाहिए, दो से ज्यादा, बट ऐसे स्पेसिफिक मेंशन किया है कि तीन चार ऐसा मेंशन किया है क्या? नहीं, बोला है दो से ज्यादा। तो देखो एक दो तीन भी गैप हो सकता है, चार भी हो सकता है और पांच भी हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? दो से ज्यादा बोला है ना स्टूडेंट, बताओ। हाँ सर ठीक है। टू डेजिग्नेशन गैप बिटवीन एस और यू, एस और यू के बीच दो का गैप होना चाहिए, कि नीचे तो जगह है नहीं, ऊपर बिठाएंगे एस और यू, एक दो एस यहाँ पर आ जाएगा, इस पॉसिबिलिटी में एक दो एस यहाँ पर आ जाएगा, इस पॉसिबिलिटी में एक दो का गैप छोड़ के एस यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट? किसी को डाउट? नो सर। पी इज जस्ट सीनियर टू आर, बोला क्या है? पी जो है जस्ट सीनियर आर होगा, बट नॉट सीईओ एसई, मतलब पी जो है वो यहाँ पर नहीं आएगा सीईओ में, ना सीईओ ना सी डबल ओ पे, पी यहाँ पर नहीं आएगा, बट क्या बोला है? पी जो है जस्ट सीनियर होगा आर से। तो मुझे दो जगह बताओ जहाँ पे पी और आर को बिठा सकता हूँ, तो क्या मैं पी और आर को यहाँ पे? हाँ बोलो। एसई और सीओ में पी नहीं आएगा ना, एसईओ एसईओ के पी यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है? अब मुझे दो जगह बताओ जहाँ पे मैं पी और आर को बिठा सकूँ साथ में। देखो क्या मैं पी और आर को यहाँ पे बिठा सकता हूँ? बिठा सकता हूँ ना, ठीक है। क्या मैं पी और आर को यहाँ पे बिठा पाऊंगा? नहीं ना, क्योंकि एससी की जगह पे पी नहीं होगा, तो यहाँ पर पी नहीं होगा तो आर भी नहीं होगा, तो पी और आर यहाँ पे बैठेगा। अब इस पॉसिबिलिटी में आ जाओ, पी और आर यहाँ पे बैठ सकता है कि नहीं? पी और आर दो ही जगह बच्चा है पी और आर के लिए, ठीक है। क्या मैं पी और आर को यहाँ पे बिठा सकता हूँ? ये सी डबल ओ को पी नहीं आएगा, होगा क्या? होगा नहीं होगा ना, वही तो। पी और आर यहाँ पर आएगा, बराबर। चलो आगे बढ़ते हैं। मोर देन थ्री पर्सन सीनियर टू क्यू, हु इज सीनियर टू टी? मोर देन थ्री पर्सन सीनियर टू क्यू, मतलब तीन से ज्यादा बंदे सीनियर होना चाहिए क्यू से, मतलब क्यू के ऊपर प्लस थ्री होना चाहिए। हु इज, हु किसको डिनोट कर रहा है? क्यू को। इज सीनियर टू टी, मतलब टी के ऊपर क्यू होना चाहिए और क्यू के ऊपर तीन से ज्यादा बंदे होना चाहिए, ठीक है? अगर मैं क्यू को यहाँ पे रख रहा हूँ, टी को यहाँ पे रख रहा हूँ, तो एक दो तीन चार हो रहा है कि नहीं तीन से ज्यादा? ये तो बन गया हमारा। चलो देखो, क्यू को यहाँ पे रखूंगा तो चार तीन से ज्यादा हो रहा है कि नहीं? बट टी के लिए जगह है नीचे, टी भी टी से सीनियर होना चाहिए ना, जगह है क्या स्टूडेंट्स, बताओ? सही है, तो ये गया। अगर मैं क्यू को यहाँ पे लेता हूँ तो मोर देन थ्री हो रहा है क्या ऊपर? तो ये भी गया और ये हमारा बन गया, क्लियर? कोई डाउट इसमें? क्लियर है स्टूडेंट, बताओ? यस सर। चलो अब मैं और एक क्वेश्चन देता हूँ, इसके ऊपर सॉल्व करो। डबल नोट आउट कर लो आप लोग। चलो अब कर दो, अरे सर तो ये नीचे का रफ कर दूं क्या? ये नीचे वाला मास्टर को मुझे लगा टेक्निकल में जाना चाहिए, टेक्निकल में बहुत आगे जो डिजिटल मार्केटिंग हो गया या तो टेक्निकल में सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गया वैसा। चलो रफ कर दूं स्टूडेंट, बताओ। चलो एक क्वेश्चन और ले लो। एक पर्सन वर पोस्टेड इन द इंडियन आर्मी एट डिफरेंट डेजिग्नेशन, द डेजिग्नेशन इन डिसेंडिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर order is as
जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, कैप्टन, सूबेदार, हवलदार। Where general is the highest designation. Q was senior to R, but was immediate junior to N. M was designated as lieutenant colonel and was just senior to R. S is senior to T. Three people were junior to Q but senior to P. T was immediate senior to O. चलिए सॉल्व करिए। N
डन सर वेरी गुड वेरी गुड बाकी लोग पहुंचा दो वेरी गुड मनीष बाकी लोग का हो जाएगा सर चलो कॉल करें स्टूडेंट बताओ कॉल करो यहाँ पे कोई टाइम चाहिए और बताइए कोई टाइम चाहिए क्या बोल रहे हो कॉल करो
करो सर। देखो क्या बोला है, पहले हम लोग डेजिग्नेशन लिख लेते हैं क्या क्या है। जनरल ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, कैप्टन, सूबेदार और हवलदार, ये डेजिग्नेशन है जिसमें से जनरल जो है वो सीनियर मोस्ट है। हमें दो पॉसिबिलिटी ले लेते हैं, एक साइड यहाँ पर और एक साइड यहाँ पर। क्या बोला है क्वेश्चन में, क्यू वॉज सीनियर टू आर, क्यू जो है आर से सीनियर है, बट इमीडिएट बोला है क्या, नहीं ना बोला है क्या इमीडिएट? तो ये इमीडिएट भी हो सकता है, गैप छोड़ के भी हो सकता है। क्यू वॉज सीनियर टू आर बट वॉज इमीडिएट जूनियर टू एन, कौन इमीडिएट जूनियर, कौन क्यू, एन से इमीडिएट जूनियर क्यू होगा बट क्यू के नीचे आर आएगा वो इमीडिएट भी हो सकता है, गैप छोड़ के भी हो सकता है, क्लियर? बट ये डायरेक्टली पुट कर सकता हूँ क्या मैं, नहीं ना, क्लू की तरह है ये। एम वॉज डेजिग्नेटेड लेफ्टिनेंट कर्नल, तो लेफ्टिनेंट कर्नल में एम को पुट कर दो, यहाँ पर एम एक बार आएगा, वहां पर एम एक बार आएगा। एंड वॉज जस्ट सीनियर टू आर, जस्ट सीनियर टू आर मतलब आर उसके जस्ट नीचे आएगा कि नहीं, स्टूडेंट्स बताओ? yes. ठीक है, आर मिल गया, आर के ऊपर क्यू और एन आ सकता है कि नहीं, क्यू इधर आ सकता है, एन यहाँ पर आ सकता है, या तो क्यू आ सकता है, एन यहाँ पर आ सकता है कि नहीं, स्टूडेंट बताओ आ सकता है कि नहीं? तो देखो आर के ऊपर क्यू और एन, और क्यू और एन इमीडिएट होंगे, तो मैं क्यू एक बार और एन यहाँ पर ले सकता हूँ कि नहीं, ले सकता हूँ, या तो क्यू यहाँ पर लेके एन यहाँ पर ले सकता हूँ कि नहीं, स्टूडेंट बताओ? यस सर, ले सकता हूँ ना। तो मैं दो पॉसिबिलिटी ले लिया मैंने, आगे क्या लिखा है, यहाँ तक किसी को डाउट है क्या, पूछना है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एम वॉज डेजिग्नेटेड एज लेफ्टिनेंट कर्नल वॉज जस्ट सीनियर टू आर, एच इज सीनियर टू टी, एच क्या है, सीनियर होगा टी से। थ्री पीपल वर जूनियर टू क्यू, थ्री पीपल वर जूनियर टू क्यू, क्यू के नीचे तीन पीपल जूनियर होना चाहिए, क्या है? ओके हाँ हाँ, थ्री पीपल वर जूनियर टू क्यू बट सीनियर टू पी, ये थोड़ा घुमाया लैंग्वेज है, लैंग्वेज को घुमाया, एक मिनट बताता हूँ। टी वॉज इमीडिएट सीनियर टू ओ, टी क्या है, इमीडिएट सीनियर होगा टू ओ, देखो ये तो आना चाहिए पहले, एस देखो यहाँ पे देखो, थ्री पीपल, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, थ्री पीपल वर जूनियर टू क्यू बट सीनियर टू पी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका मैं ही समझो, थ्री पीपल वर जूनियर टू क्यू बट सीनियर टू पी, देखो क्या बोला है, पहले इसको लैंग्वेज को समझो, तीन बंदे जूनियर होंगे क्यू से, उतने ही बंदे पी से सीनियर होंगे, मतलब तीन बंदे जूनियर ले लेता हूँ, एक दो तीन, पी को यहाँ पे ले सकता हूँ कि नहीं, तीन बंदे जितने जूनियर होंगे पी से, उतने ही बंदे सीनियर होंगे पी से, लैंग्वेज से ही लिखा हुआ है, थ्री पीपल वर जूनियर टू क्यू बट सीनियर टू पी, उतने ही बंदे पीछे सीनियर होंगे, मतलब तीन बंदे जूनियर होंगे, देखो एक दो तीन, तीन बंदे जूनियर होंगे पी और क्यू के बीच में, उतने ही बंदे पी के ऊपर और क्यू के बीच में उतने होना चाहिए, मतलब तीन बंदे इन शॉर्ट आना चाहिए, उन्होंने घुमाया यहाँ पे, तो मैंने एक दो तीन जूनियर ले लिया तीन बंदों को, और उतने ही बंदे देखो सीनियर हो रहा है कि पी से क्यू और पी के बीच में हो रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, स्टूडेंट बताओ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ सर समझा। अब ये पॉसिबिलिटी में ले लेते हैं, एक दो तीन, तो पी के क्यू के नीचे तीन जूनियर है, तो पी के ऊपर तीन सीनियर हो गए, तो ये लाइन क्लियर है? आगे क्या बोला है कि एस के नीचे टी होना चाहिए, टी के नीचे ओ होना चाहिए, तो एस अच्छा टी इमीडिएट को लिखा है, देखो यहाँ पे
टी वॉज इमीडिएट सीनियर टू ओ. अच्छा बताओ मुझे, टी वॉज इमीडिएट सीनियर टू ओ है, दो जगह कहाँ पे खाली है क्या इस पॉसिबिलिटी में, दो जगह जहाँ पे मैं टी और ओ को साथ में बिठा सकूँ, तो ये यहाँ पे जगह दो साथ खाली, ये कैंसिल हो जाएगा. दो जगह कहाँ पे खाली है, यहाँ पे खाली है ना, तो ओ और टी को जैसे बिठा सकता हूँ कि नहीं, जस्ट सीनियर टू टी हो गया ओ से, और टी के ऊपर कौन रखिए एस होना चाहिए, तो टी के ऊपर एस पे यहाँ पे पुट कर सकता हूँ कि नहीं. Yes. वो बन गया हमारा पजल, पजल कर लीजिए. ये लाइन में बहुत कंफ्यूज हुए होंगे राइट, बताओ किसी का बना था, किसी का बना था कि नहीं, किसी का बना था क्या ऐसे? हाँ सर मेरा बना था. सेम सेम बना था ये? हाँ सर ये सेम बना. वेरी गुड वेरी गुड, नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं. सर ये सेम सेंटेंस और किस किस टाइप में आता है मतलब? नहीं ऐसा कुछ फिक्स तो नहीं है, लैंग्वेज है देखो, एंड ऑफ द डे ये लैंग्वेज है, कैसे भी घुमा सकते हैं, ये आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल आना चाहिए. ये थोड़ा सा घुमाया है, बाकी ऐसा कुछ ऐसा फिक्स सेंटेंस नहीं है कि और कैसे किस तरीके से पूछे, लैंग्वेज है ना ये, हम ऐसा बता नहीं सकते कि फिक्स कितना हो सकता है. नहीं वो प्राइवेट टेस्ट में नहीं आता, वो आ रहा है में हो रहा था. Different designation, that is GM, AGM, manager, assistant manager, SO, cashier, and clerk in a company. The order of seniority is the same. ये किसके बैकग्राउंड से म्यूजिक आ रहा है, म्यूट करो. क्यूकॉम एम बी टी डी कौन है, ये क्यूकॉम एम बी टी डी कौन है, यहाँ पे नाम मेंशन करो, क्यूकॉम एम बी टी डी कौन है यहाँ पे, नाम बताओ प्लीज, क्यूकॉम बी टी डी कौन है यहाँ पे, बी टी डी यहाँ पे नाम में लिखा हुआ है, नाम बता दो नहीं तो फिर वो ग्रुप से निकाल दिया जाओगे, ग्रुप में कोई निकाल देगा बाद में, मुझे बोलना मत. ओनली थ्री पर्सन हैव देयर designation between B and D. D is not the senior most person. F is either immediately
near to or immediately near to the cashier. Only three persons have their designation between F and B. B is either immediately near to or immediately junior to E. More than three persons are junior to A. C is senior to G and junior to H. Only two persons have their designation between A and D. चलिए सॉल्व करिए इसे.
स्टूडेंट सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है कौन रहा है सॉरी हाँ क्या करूँ स्टूडेंट कॉल करो यार बन रहा है बताइए मैं सॉल्व करूँ या फिर आप बना रहे हो अरे बताइए ओके ट्राई करो काजल वेरी गुड
स्टूडेंट सॉल्व करूं मैं? यस सर। या एक मिनट चलो करू मैं सॉल्व। स्टूडेंट बताओ। यस सर। नहीं बन रहा है क्या? चलो मनीष पढ़ो। क्या क्या पोस्ट है बताओ? जीएम, डीजीएम, एजीएम। क्या है? जीएम, जीएम, डीजीएम, डीजीएम, एजीएम, एजीएम, मैनेजर, मैनेजर, असिस्ट मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, एसओ, एसओ, कैशियर क्लर्क, कैशियर और क्लर्क। टोटल 8 लोग हैं क्योंकि 8 पोजीशन है। दो पॉसिबिलिटी ले लेंगे, एक तरफ वहां पे ले लेंगे और एक साइड यहां पे ले लेंगे। दो पॉसिबिलिटी, एक वो साइड एक ये साइड। चलो सॉल्व करो, पढ़ो, सॉल्व करते हैं। ओनली 3% हैव दैट डेजिग्नेशन बिटवीन टी एंड डी। टी एंड डी, टी और डी के बीच में 3 का गैप है। टी और डी के बीच में 3 का गैप है, बट ई कहाँ पे है? ई ऊपर है या डी ऊपर है पता नहीं, तो ई और डी के बीच में 3 का गैप है। चलो आगे पढ़ो। ही इज नॉट द सीनियर मोस्ट पर्सन। ई ना, ई यहाँ पर नहीं आएगा। डी, 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 डी इज नॉट द सीनियर मोस्ट पोजीशन, मतलब वो डी यहाँ पर नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़िए। एफ इज आइदर इमीडिएटली सीनियर टू और इमीडिएटली जूनियर टू कैशियर। एफ या तो इमीडिएट सीनियर होगा या तो इमीडिएट जूनियर होगा कैशियर से, तो हमें एफ का पोजीशन पता नहीं है। एफ या तो इमीडिएट सीनियर होगा या इमीडिएट जूनियर होगा कैशियर से। यहाँ पर भी एफ या तो सीनियर होगा या फिर इमीडिएट जूनियर होगा, क्योंकि ये दो जगह से ही एफ आएगा, बाकी कहीं पे भी एफ नहीं आएगा। ठीक है, चलो आगे पढ़ो। 3% हैव द डेजिग्नेशन बिटवीन एफ एंड डी। एफ और डी के बीच में 3 का गैप है, राइट? तो एक बार एफ को यहाँ पे ले लेते हैं सीनियर में, और एक बार आपको जूनियर में ले लेते हैं। ठीक है, 3 बंदे का गैप है एफ और डी में, राइट? तो 1, 2, 3 डी यहाँ पर आ जाएगा। बी सर, बी, 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 बी यहाँ पर आ जाएगा। 1, 2, 3 बी यहाँ पर आ जाएगा। चलो आगे पढ़ो। ई आइदर इमीडिएटली सीनियर टू और इमीडिएटली जूनियर टू ई। क्या ई आइदर इमीडिएट सीनियर? बी, बी आइदर इमीडिएट सीनियर टू और इमीडिएट जूनियर टू ई। ई से या तो जूनियर होगा या तो सीनियर होगा डी, यही बोला है? बी सर। क्या बी? हाँ सर। ओके, तो या तो ई यहाँ पर आएगा या तो ई यहाँ पर आएगा इस पॉसिबिलिटी में। ये पॉसिबिलिटी में या तो ई यहाँ पर आएगा या तो ई यहाँ पर आएगा, क्योंकि क्या बोला है? बी से या तो इमीडिएट सीनियर हो सकता है या तो इमीडिएट जूनियर हो सकता है, बट हमें पता ही नहीं है कि ई ऊपर आएगा कि नीचे आएगा। तो दोनों साइड हमने पॉसिबिलिटी में ले लिया। अगर एक बार ई मिल गया तो डी को हम लोग पुट कर सकते हैं। चलो पढ़ो। मोर देन 3% आर जूनियर टू ए। 3 से ज्यादा बंदे जूनियर होंगे ए से। तो देखो 3 से ज्यादा बंदे जूनियर होंगे, 1, 2, 3 तीन से ज्यादा मतलब इधर तो आएगा नहीं, इधर तो आएगा नहीं, या तो इधर आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, या यहाँ पे आ सकता है। 3 से ज्यादा चाहिए था ना। अगर मैं एक पे यहाँ पे लूंगा तो 3 ही हो रहा, 3 से ज्यादा हो रहा है क्या? नहीं ना। अब देखो, या तो ए यहाँ पर आ सकता है, ए यहाँ पर आ सकता है, या तो ए यहाँ पर आ सकता है।
चलिए पढ़िए आगे. He is senior to G and junior to H. He is senior to G और junior to H. ये क्लू है. आगे देखेंगे इसको. आगे पढ़ो. Only two person have their designation between A and D. A और D के बीच में दो का गैप आएगा. बस इतने हैं. अच्छा देखो यहाँ पे. ये D से ये D का क्लू मैच हो रहा है कि नहीं? मैच हो रहा है. ठीक है. अब देखो कैसे मैच करेंगे. ए और डी के बीच दो का गैप होना चाहिए. अगर मान लो मैं ए को यहाँ पे रखता हूँ तो ऊपर डी की जगह बनेगा नहीं ना. एक दो डी यहाँ पर ले सकता हूँ मैं. बट डी और ए के बीच तीन का गैप होना चाहिए. देखो या तो ई यहाँ पर आएगा या तो ई यहाँ पर आएगा. बरोबर ना. तो तीन का गैप हो रहा है क्या? इसी में से भी तीन का गैप हो रहा है क्या? नहीं हो रहा. तो ए भी यहाँ पर नहीं आएगा. अगर मान लो ए यहाँ पर लिया तो ए और डी के बीच दो का गैप होगा. तो एक दो छोड़ के यहाँ पे डी को अगर मैंने ले लिया फिर डी और ई के बीच तीन का गैप होना चाहिए. तीन का गैप हो रहा है क्या? नो सर. तो ए यहाँ पर भी नहीं आएगा. अगर ए यहाँ पर लेता हूँ तो दो का गैप छोड़ के डी को बिठा सकता हूँ क्या? नो सर. ठीक है. अब यहाँ पे आ जाओ. अगर मान लो ए को यहाँ पे लिया. ठीक है. ए को यहाँ पे ले लिया तो एक दो छोड़ के गैप डी पे बिठा सकता हूँ क्या? बिठा सकता हूँ ना. बट ई और सी अगर E को यहाँ पे लिया तो दो के तीन का गैप हो रहा है क्या? A और E और D में नहीं हो रहा है. मतलब A यहाँ पर नहीं आएगा. अगर A को यहाँ पे लिया तो ऊपर जगह है क्या D को बिठाने के लिए? नहीं ना. तो एक दो D यहाँ पर आ सकता है क्या? आ सकता है क्या? स्टूडेंट बताओ. ऑलरेडी एक बैठा हुआ है ना. D आएगा क्या? यस सर. नहीं आएगा. तो A यहाँ पर भी नहीं आएगा. मतलब कुछ A यहाँ पर फिक्स हो गया. ऊपर छोड़ूंगा अगर डी यहाँ पर लूंगा तो डी और ई में तीन का गैप हो रहा है क्या? नहीं ना. तो डी ऊपर नहीं आएगा. तो एक दो छोड़ के डी यहाँ पर आएगा. अब देखो डी और ई में तीन का गैप होना चाहिए. तो डी यहाँ पर है तो एक दो तीन का गैप छोड़ के ई यहाँ पर हो रहा है कि नहीं? पोजिशन यहाँ पर फिक्स हो जाएगा. मतलब यहाँ पर ई नहीं आएगा. अब क्या बोला है? एच के नीचे सी आना चाहिए, सी के नीचे जी आना चाहिए. तीन हमें दिखाना है. एच सी जी कहीं पर भी दिख रहा है आपको? नो सर. नहीं. तो एच के जो सी टी के जी तीन जगह चाहिए. एक दो तीन जगह है. तो एच ले लिया. एच के जो सी टी के नीचे जी बन गया हमारे को. समझा? यस सर. समझा. अभी तक कितने क्वेश्चन लिए? सबको समझ में आया? कैसे किया हमने? नोट डाउन कर लीजिए. सबको समझ में आया कितना जो भी क्वेश्चन लिया हमने? हाँ सर. ठीक है. अगले लेक्चर में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे पजल को. और तब तक इसकी प्रैक्टिस करना आप लोग. और इसको नोट डाउन कर लो आप लोग. नोट डाउन हो जाएगा प्लीज बताना. हो गया सर. तो कंप्लीट होने के बाद में चलो रब कर दूं. रब कर दूं स्टूडेंट बताइए. यस. चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में. बाय एवरीवन. एक मिनट. चलो बाय. मिलते हैं अगले लेक्चर में.